भारत को पहली बार पड़ोसी देश नेपाल ने सीमेंट का एक्सपोर्ट शुरू किया है। नेपाल से सीमेंट की पहली खेप उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा से लगे एक चेक पोस्ट से भारत पहुंच रही है। आपको बता दें कि नेपाल के नवलपरासी जिले में पाल्पा सीमेंट इंडस्ट्री ने सुनौली बॉर्डर से 3000 सीमेंट की बोरियों की पहली खेप भारत भेजी है। सरकार ने नेपाल से कच्चे माल के इस्तेमाल कर सीमेंट निर्यात करने वाली कंपनियों को 8% नकद सब्सिडी देने की घोषणा की थी। इसके बाद से नेपाल के पाल्पा सीमेंट इंडस्ट्रीज ने भारत को बिल्डिंग मटेरियल्स के निर्यात करना शुरू कर दिया है। मैं बता दें, नेपाल में आज 50 से अधिक सीमेंट कंपनियां व्यापार कर रही हैं। इसमें पाल्पा सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित 15 सीमेंट और क्लिंकर दोनों का उत्पादन करते हैं। कंपनियों की कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता 22 मिलियन टन है। वहीं पाल्पा सीमेंट के अधिकारी का कहना है कि कंपनी ने भारत को लगभग 3000 बोरी सीमेंट का निर्यात दिया है। अब दैनिक आधार पर मांग के अनुसार निर्यात करेंगे। उद्योगपतियों ने भारत नेपाल के बीच व्यापारिक डेवलपमेंट का स्वागत किया है। नेपाल अब बिल्डिंग मटेरियल में आत्मनिर्भर बन गया है। वहीं सीमेंट निर्यात भारत के साथ नेपाल के व्यापार घाटे को 15% तक कम कर सकता है। भारतीय बाजार में ओपीसी की तुलना में पीसीसी सीमेंट की मांग अधिक थी। पाल्पा सीमेंट इंडस्ट्रीज रोजाना 1800 टन सीमेंट और 800 टन क्लिंकर का उत्पादन कर रही है, जबकि इसकी 3000 टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल ने 150 अरब नेपाली मुद्रा के सीमेंट एक्सपोर्ट करने की क्षमता है। नेपाल का सीमेंट उद्योग अपनी विशाल क्षमता के बावजूद बाजार की समस्याओं से जूझ रहा है। इसी उद्योग के पास नेपाल में सीमेंट की खपत के लिए बड़ा बाजार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।